हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ सचिन चौहान अपने यूट्यूब चैनल में। सबका स्वागत है। तो आज अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ई पिक पहाने ऐप कैसे ऑनलाइन करें। तो इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलो फिर जाते हैं ई पिक पहाने ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने ई पिक पहाने ऐप है। तो यहाँ पे अब मैं ई पिक पहाने ऐप को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ई पिक पहाने यहाँ पे ऐप अपने ओपन हो चुके हैं। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को नवीन खातेदार नोदना, यहाँ पे अपने को क्लिक करना है सिंपल सा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जिला तालुका और यहाँ पे अपना का गांव जोड़ना है। तो यहाँ पे अब मैं मेरा गांव और जिला और तालुका यहाँ पे अब मैं जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अब मैं अपना तालुका जोड़ रहा हूँ और यहाँ पे अब गांव जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको स्क्रो करना है नीचे नीचे नीचे, आपका वहाँ गांव होगा वहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे पूरे पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब मैं पूरे पे क्लिक करता हूँ। पूरे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस को आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को गट क्रमांक यहाँ पे अपने को डालना है सिंपल से। यहाँ पे ऊपर की माहिती नहीं भी डाली तो चलता है, आपको सिंपल से यहाँ पे गट क्रमांक डालना है। तो यहाँ पे अब मैं गट क्रमांक डालता हूँ। गट क्रमांक डालने के बाद यहाँ पे अपने को शोधा पे क्लिक करना है भाई। यहाँ पे अब मैं शोधा पे क्लिक करता हूँ। शोधा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना खातेदार निवड़ा, यहाँ पे अपना नीचे खातेदार आ चुका है और यहाँ पे अपन खातेदार निवड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अपने को सिंपल सा क्या करना है भाई, यहाँ पे पूरे पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने पूरे पे क्लिक किया और पूरे पे क्लिक करने के बाद फिर से अपने को क्या करना है, पूरे पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना OTP आ जाएगा अपने मोबाइल पे 4 अंक की। यहाँ पे अपने को पूरे पे फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे अब मैं पूरे पे क्लिक करता हूँ। तो पूरे पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे 4 अंक की एक OTP आ जाएगा। तो वहाँ अपने को OTP डालना है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे अपने को ऊपर OTP आ चुका है और यहाँ पे अब मैं नीचे OTP डाल दूँगा। तो यहाँ पे अपने को डालना है भाई OTP। तो अभी यहाँ पे अब मैं OTP डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अब मैंने वो मेरा OTP डाल दिया और यहाँ पे अपने को हिरवे वाले ऑप्शन को अपने को क्लिक करना है सिंपल सा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिंपल सा परिचय पे अपने को क्लिक करना है भाई। यहाँ पे अब मैं परिचय पे क्लिक करता हूँ। परिचय पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है भाई, फ़ोटो निवड़ा, यहाँ पे अपने को क्लिक करना है। अदरवाइज़ अपने को लगेज फ़ोटो निकालना है और यहाँ पे फ़ोटो डालना है। तो आप लगा सकते हो अपने, तो मैंने फ़ोटो निकाला हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपन गैलरी में आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने फ़ोटो ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, फ़ोटो आपको आपका फ़ोटो आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वो फ़ोटो दूसरा लगाना था, इसलिए अब मैं फिर से थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, वो दूसरा लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा वो क्रॉप कर लिया, स्क्रीनशॉट मारा था मैंने फ़ोटो का, मेरे पास नहीं था फोटो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट मारा था। यहाँ पे आप नीचे आएंगे भाई, तो नीचे यहाँ पर अपने को डालना है पुरुष स्त्री। यहाँ पर आप पुरुष होंगे तो पुरुष डालना पड़ेगा और स्त्री होंगे तो स्त्री पर डालना क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे अपने को पुरुष पे क्लिक करना है सिंपल सा। यहाँ पे अब मैं पुरुष पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने पूरी की पूरी यहाँ पे माहिती भर चुकी है। तो यहाँ पे अपने को नीचे क्लिक करना है भाई। अब यहाँ पे मैं नीचे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब मैं सबमिट हो चुका है, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अपने को क्लिक करना है, यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ ठीक है पे। तो ठीक है, यहाँ पे अपने को क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने को ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे अपन यहाँ पे ऊपर घर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अपने को सिंपल सा टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे अपन बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पिकाची माहिती नोंदा, यहाँ पे अपने को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर अपने को खाते क्रमांक यहाँ पर अपना डालना है। यहाँ पे आ जाएगा खाते क्रमांक, अपने को डालने का कुछ भी काम नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अपना खाते क्रमांक आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपल सा ऐसा टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद ही देख सकते हो, यहाँ पे अपन गट क्रमांक यहाँ पे अपने को डालना है भाई। यहाँ पे अब मैं गट क्रमांक डालता हूँ
अपना यहाँ पे गट नंबर आ जाता है, अपने को डालने का काम भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे अपनी माहिती भर चुकी है, अपने को भरने का काम नहीं। अब फिर से थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे अपने को हंगाम, यहाँ पे अपने को कौन सा हंगाम का पिक है अपना, वो अपने को डालना है। यहाँ पे साइड पे अपने को क्लिक करना है और यहाँ पे वो आ जाएगा, यहाँ पे अपना वो होगा, वो यहाँ पे अपने को क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने खरीद पे क्लिक किया और यहाँ पे नीचे माहिती भर चुके हो। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप नीचे आएंगे भाई, वो तो माहिती भर दी है अपनी। तो पिकासा वर्ग अपने को यहाँ पे क्लिक करना है, पिकासा वर्ग भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं आपका, वो आपका होगा वो अपने को क्लिक करना है। मैंने एक नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक कर रहा है भाई। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो भाई, तो यहाँ पे अपना कौन सा है, पीक है क्या फलबाग है, तो अपना पीक है। तो यहाँ पे अपने को पीक पे सिंपल सा टच करना है। तो यहाँ पे अब मैं पीक पे क्लिक करता हूँ। तो अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे अपने को पीक का चढ़ाचे नाव, यहाँ पे अपने को यहाँ पे सर्च करने का काम नहीं, आपने सॉरी यहाँ पे अपने को डालना है आपका वो पीक होगा, वो अपने को यहाँ पे सिंपल सा ऐसा डाल देना है। यहाँ पे अपना सोयाबीन होगा, वो कौन सा भी होगा, तो यहाँ पे अपने को डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सोयाबीन। तो चलो आते नीचे, तो यहाँ पे अपना उतना क्षेत्रफल होगा उतना अपने को यहाँ पे अपना डालना है, आपका कितना क्षेत्रफल है उतना अपने को यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे अब मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो आपका साधन कौन सा है, तो यहाँ पे आपका नदी होगा तो नदी भी, और तालाब होगा तो तालाब भी आपका वो होगा, तो वो अपने को क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा नदी है तो यहाँ पे सिंपल से मैं नदी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नदी पे क्लिक किया। अब चलो नीचे आते हैं भाई, तो नीचे अपने को क्लिक करना है और यहाँ पे अपना आपका ओ ठिबक सिंसर तुषार सिंसर ओ होगा, वो अपने को क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा अब है तुषार सिंसर, तो यहाँ पे मैं तुषार पे क्लिक करता हूँ, तुषार सिंसर पे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे अपनी लागवड की तारीख, यहाँ पे अपनी लागवड की ओ तारीख है वो अपने को यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे अब मैं तारीख सबमिट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अब मैं तारीख सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ पे अपनी ओ तारीख होंगी वो यहाँ पे आप डाल देने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बिल्कुल ही हो चुका है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन आ रहा है आपको। तो आप यहाँ पे अपने को खेत में जाना है और सिंपल सा अपना वो खेत होगा, वो अपने सोयाबीन वगैरह कुछ होगा, तो वो सिंपल सा ऐसा फ़ोटो निकालना है और उस पर अपने को अपलोड करना है। तो मैं तो नंतर करने वाला हूँ अपलोड। अब आपको वीडियो चाहिए इसलिए मैंने बनाया हुआ है। तो उसको नीचे अपने को सबमिट पे क्लिक करना है सिंपल सा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना बिल्कुल ही हो जाएगा भाई। तो बहुत ही आसान है भाई यहाँ पे ई पिक पहाने ऐप ऑनलाइन करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, तो एक लाइक कीजिए यार, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो लाल वाला बटन ही थोड़ा फोड़ो कुछ भी करो पुनः दबाओ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेश वीडियो में।